मेरा नाम रोहित है। अब मैं आपको अपनी भूतिया कहानी की ओर लेकर चलता हूँ। एक दिन की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया हुआ था। सारे लोग जल्दी ऑफिस का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों के साथ एडमिन में काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें मार्केट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नजर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ गाड़ी को घुमा लिया। समय 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये लड़की क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की बेटी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर जोर से रोने शुरू कर दिया। सारे जंगल में उसकी हूं हूं सी सिसकियां गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ी सी चुन्नी डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। पर दादा की बात को कैसे मना करती। मम्मी ने उस लड़की को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माता जी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या। उसके सिर पर चुन्नी अभी भी थी तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और चुन्नी खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना ही पीछे।
उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो लड़की रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारे रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाजें भी निकाल रही थी। हूँ हूँ सी आवाजें गूंज रही थी। रसोई बैकयार्ड में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी सो वो भी कुछ सोचकर उठी। अपनी जगह से माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूं हूं जोर की आवाज निकाल रही थी और पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को चीरती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छोटा चुड़ैल से पीछा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कहीं आप भी तो अनजान लोगों को अपने घर में जगह तो नहीं देते हो? और अगर ऐसा किया है कभी तो हमारे साथ अपना अनुभव कमेंट के जरिए साझा करें।